हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट क्लास 10th रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म। ये जो चैप्टर, इस चैप्टर में आज हम लोग बात करेंगे कि किस प्रकार से रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होती है। तो आज जो हम लोग का मेन टॉपिक रहेगा वो रहेगा रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट्स में कितने प्रकार के रिप्रोडक्शन होते हैं, किस प्रकार से रिप्रोडक्शन के द्वारा वो इससे एक नए जनरेशन की प्रोडक्शन होता है, उस चीजों को यहां पर समझेंगे। उसको समझने से पहले हम यहां पर बात करेंगे रिप्रोडक्शन की, कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन क्या है। तो रिप्रोडक्शन दो शब्द से मिलकर के बना है, री प्लस प्रोडक्शन। री मींस पुनः एंड प्रोडक्शन मींस होता है उत्पन्न करना। मतलब जब कोई भी जीव अपने समान एक नए जीव की उत्पत्ति करता है तो उसे कहते हैं रिप्रोडक्शन, यानी यह है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन है क्या, इसकी अगर डेफिनेशन की बात किया जाए तो कह सकते हैं ए पेरेंट्स रिप्रोड्यूस ए न्यू ऑर्गेनिज्म विद आर विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज रिप्रोडक्शन। तो ये तो हो गई डिफिनेशन। क्या हो गया, डिफिनेशन हो गया कि रिप्रोडक्शन क्या है, ए पेरेंट्स रिप्रोड्यूस ए न्यू ऑर्गेनिज्म या न्यू जनरेशन विद आर विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की अगर बात किया जाए तो ये देर आर टू टाइप्स रिप्रोडक्शन, मेनली कितने टाइप्स होते हैं, देर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की अगर बात किया जाए, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज मेनली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, द फर्स्ट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकेंड इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये हो गए इसके टाइप्स की बात कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं, आइए पहले स्टार्ट किया जाएगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन फर्स्ट हम लोग का टॉपिक है आज, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और चूंकि हम लोग प्लांट्स में आज पढ़ेंगे एनिमल में इसके बाद वाले वीडियो में देखा जाएगा, अभी स्टार्टिंग जो है हम लोग प्लांट्स के बारे में करेंगे। What is asexual reproduction? इसमें जो प्रोड्यूस हो रहा है ऑर्गेनिज्म, जो नए ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं वो कैसे ऑर्गेनिज्म है, इस चीज को भी यहां पर मेंशन करना हम लोगों को। डिफिनेशन को इसको देखेंगे तो लिख सकते हैं यहां पर, ए पेरेंट्स रिप्रोड्यूस ए न्यू जनरेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है, व्हाट इज रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए पेरेंट्स रिप्रोड्यूस ए न्यू जनरेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये यहां पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता क्या है कि जो ऑर्गेनिज्म होता है, जो भी ऑर्गेनिज्म होता है, इस ऑर्गेनिज्म में के द्वारा जो भी न्यू जनरेशन यहां पर प्रोड्यूस हो रही है, जो भी न्यू जनरेशन यहां पर रहेगी, न्यू जनरेशन, ये न्यू जनरेशन इसका जो है आइडेंटिकल होगा मींस कह सकते हैं ये इसका क्लोन होगा। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो भी यहां पर ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन होगा वो आइडेंटिकल होगा या फिर वहां पर जो एक क्लोन के फॉर्म में बनेंगे। क्लोन क्यों कहते हैं, रीजन क्या है, क्यों आइडेंटिकल किया गया, क्यों क्लोन कहा गया, रीजन क्या है। तो रीजन ये है कि जब ऑर्गेनिज्म है, यहां पर कोई भी प्रोसेस नहीं है, कोई भी ऐसे किसी अदर ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड नहीं है, एक ऑर्गेनिज्म है, उसी ऑर्गेनिज्म का कोई बॉडी पार्ट्स वहां से अलग हुआ और वो अलग होकर के एक नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर लिया। सपोज करते हैं ये यहां पर एक रूट है, मान लेते हैं ये यहां पर एक रूट की सेल्स हैं, ये इस तरह से, और इसका ये पार्ट टूट करके अलग हो जाए, ये क्या हो जाए, अलग हो जाए और उससे ही एक नया प्लांट्स बन जाए, इसी से क्या हो कि आगे चल करके एक नया प्लांट्स बन जाए। तो ये जो प्रोसेस हो रही है, आप देख रहे हैं कि एक प्लांट है, उस प्लांट के, उस ऑर्गेनिज्म से के बॉडी पार्ट से ही एक नए प्रकार के ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए इसको नाम दिया गया आइडेंटिकल आर क्लोन। क्यों, क्योंकि वो एकदम इक्वल होगा, एकदम समान होगा अपने इस
जो पैरेंटल है उस पेरेंट्स के ये समान होगा। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस होती है आपको याद रखना है, इसमें जो भी ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं वे सभी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो यहां पर क्लोन होते हैं किसके, अपने पेरेंट्स के, अपने पेरेंट्स के आइडेंटिकल या क्लोन के फॉर्म में होते हैं। तो ये था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। अब बात करते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने प्रकार इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अगर देखा जाए तो इसमें टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कहा जाए, टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए अगर टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं यहां पर, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, एक है बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन, ये जो बाइनरी फिशन होता है ये क्या चीज है? देखिए जो बाइनरी फिशन होती है यहां पर क्या होता है, एक जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है ये किसमें होता है आपको याद रखना है, ये होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि आप मान सकते हैं यहां पर अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया या बैक्टीरिया हो गया, तो इन सभी जो यहां पर जो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है वो सभी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो यहां पर क्या होता है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक दैट, यहां पर मैं एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बना रहा हूं, एक मान लेते फिगर है, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। अब ये यूकेरियोट्स भी हो सकता है या प्रोकैरियोट्स भी हो सकता है, जैसे बैक्टीरिया बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स है, बट अमीबा यूग्लिना पैरामीशियम यूकेरियोट्स नेचर का होता है, उससे मतलब नहीं है। मतलब है केवल यहां पर सेल स्ट्रक्चर से, ऑन द बेसिस ऑफ सेल स्ट्रक्चर केवल यहां पर, और वो कैसा है यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कैसा होता है डिवीजन, बाइनरी फिशन के थ्रू ही अपना जो है एक न्यू जनरेशन की प्रोडक्शन करता है। यहां पर होगा क्या कि जब यहां पर इस ऑर्गेनिज्म में जो यहां पर बना हुआ है इस वाले प्रोसेस में जब यहां बाइनरी फिशन होगा, तो बाइनरी फिशन में क्या होगा, एक से टू आइडेंटिकल्स यहां पर जो है सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा, टू आइडेंटिकल सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये बाइनरी फिशन है, इसमें एग्जांपल आप देख सकते हैं यहां पर, एग्जांपल में अमीबा आता है, पैरामीशियम हो गया, पैरामीशियम आप इसमें बैक्टीरिया का भी यूज कर सकते हैं, बैक्टीरिया भी बाइनरी फिशन होता है। तो मोस्टली जितने भी जितने भी यहां पर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें बाइनरी फिशन के थ्रू जो है एक सेल से एक नए सेल का प्रोडक्शन होता है, और ये जो नया सेल होता है ये नया सेल कैसा होता है, ये दे आर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट सेल, सो इट इज आल्सो नोन एज आइडेंटिकल सेल्स आर क्लोन सेल बिकॉज दे आर रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मींस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैव नॉट विदाउट फर्टिलाइजेशन, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज विदाउट फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो नहीं रही है, यहां पर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, यानी कि यहां पर गैमेटोजेनेसिस भी नहीं हो रहा है, यानी कि आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक चीज और ध्यान रखना है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक तो आप में देखना है कि फर्टिलाइजेशन यहां पर नहीं हो रही है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस एब्सेंट है। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस क्यों एब्सेंट है, क्योंकि यहां पर गैमेटोजेनेसिस नहीं हो रहा है, क्योंकि गैमेट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, गैमेट का जो गैमेटोजेनेसिस है वो क्यों नहीं हो रहा है, तो यहां पर मियोसिस सेल डिवीजन नहीं होता है। तो थ्री स्टेज आपको याद रखना है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक तो मियोसिस सेल डिवीजन नहीं होता है, गैमेटोजेनेसिस नहीं होता है, एंड फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। तो निश्चित रूप से जो इसमें ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होंगे वो ऑर्गेनिज्म अपने उसी पेरेंट सेल के किसी बॉडी पार्ट से जो है वो अलग होकर के एक नए प्रकार का ऑर्गेनिज्म बना लेगा। तो वो जो बॉडी पार्ट से बन रहा है ऑर्गेनिज्म विदाउट किसी भी फर्टिलाइजेशन के, विदाउट फ्यूजन, कोई फ्यूजन नहीं हो रहा है, तो निश्चित रूप से वो क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे, क्लोन्स होंगे। तो आपको याद रखना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लोन बनते हैं, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लोन नहीं बनता, वो हम लोग आगे टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो द फर्स्ट इज बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है, यहां पर क्या है कि एक सेल से दो सेल बन जाते हैं, एक सेल से दो सेल बन जाते हैं, दो सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होता है वो इक्वल होता है टू देयर पेरेंट सेल्स, तो आपको ये याद रखना है ये दे आर क्लोन सेल्स यहां पर रहेगा। सेकेंड जो होता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन एंड बाइनरी फिशन में थोड़ा सा ये डिफरेंस है फ्रेगमेंटेशन एंड बाइनरी फिशन में, कि बाइनरी फिशन जो होता है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है, एंड फ्रेगमेंटेशन जो होता है ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। आपको इतना याद रखना है ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में यहां पर कंप्लीट होगा। तो बाइनरी फिशन क्या है, वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हो रहा है, जबकि फ्रेगमेंटेशन कैसा है, वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में यहां पर हो रहा है। इसमें हो क्या रहा है, बस इसमें क्या है मल्टीसेलुलर सेल, यानी कि बहुत सारे सेल्स यहां पर प्रेजेंट है, इस तरह से बहुत सारे सेल्स इसमें प्रेजेंट है,
और यही सेल्स में से कुछ पार्ट्स जो है वो टूट करके अलग हो करके, यह है पूरा मल्टीसेलुलर है, कुछ पार्ट्स टूट करके यहां अलग हो गया और अलग होकर एक नया सेल यहां पर बना लिया, एक नया प्लांट्स बना लिया, एक नया ऑर्गेनिज्म बना लिया, आप कुछ भी यहां पर कह सकते हैं। तो इस तरह से यहां पर जो डिवीजन हो रहा है, हालांकि ये भी इसमें क्लोन बनेंगे, आइडेंटिकल होगा, क्योंकि ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, बट वो क्या रहा है, ये मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म में ये प्रोसेस होती है फ्रेगमेंटेशन की। अब एग्जाम्पल में अगर बात किया जाए कि कौन से इसमें एग्जाम्पल, जैसे इसमें एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं स्पाइरोगायरा हो गया, स्पाइरोगायरा हो गया, यूलोथ्रिक्स हो गया, यूलोथ्रिक्स हो गया, ये एल्गी होते हैं और कुछ इसमें ब्रायोफाइट्स होते हैं, उस ब्रायोफाइट्स में भी इसी प्रकार के स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो ये आपका फ्रेगमेंटेशन हो गया। थर्ड आते हैं स्पोरुलेशन, थर्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन क्या होता है यार, इसमें स्पोर्स बनते हैं, लेकिन वो स्पोर्स जो होता है उसमें फ्यूजन नहीं होता, वो डायरेक्ट स्पोर्स बन करके वह स्पोर्स जर्मिनेट करके एक नए प्लांट्स या एक नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर लेता है। तो यहां पर क्या स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा, स्पोरुलेशन भी होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स, फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स। और ये स्पोर्स कैसे होते हैं, ये यूजुअली डिप्लॉयड्स होते हैं। अगर डिप्लॉयड सेल है, स्पोरोफाइट सेल है, स्पोरोफाइट प्लांट्स है, तो स्पोरोफाइट प्लांट से यहां पर एक डिप्लॉयड सेल बनेगा जिसको यहां पर स्पोर्स के नाम से जानेंगे। अब ये स्पोर्स क्या है, यहां पर कोई फ्यूजन नहीं होगा, कोई मियोसिस नहीं होगा, कोई गैमेटोजेनेसिस नहीं होगा, और यही स्पोर्स डेवलपमेंट के थ्रू, ये डेवलपमेंट के थ्रू ये डेवलप करके यहां यहां पर जो एक न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर लेता है, न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर लिया। सो इट इज आल्सो नोन एज स्पोरुलेशन। अब ये स्पोरुलेशन होता किसमें, तो मोस्टली जो एल्गी होते हैं, एल्गी, एल्गी में स्पोरुलेशन के थ्रू यहां पर जब रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है, अगर उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो। इसके बाद बात करते हैं फोर्थ, बाई बडिंग, बडिंग के द्वारा। अब व्हाट इज बडिंग, बडिंग क्या है और बडिंग किसमें होता है, तो बडिंग जो होता है आपको पहले जान लेना, ये ईस्ट सेल में होता है। ईस्ट क्या है, ईस्ट एक यूनिसेलुलर फंजाई होता है, तो ईस्ट सेल में होता है। ईस्ट सेल में कैसे होता है, ए बड लाइक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस एक्सटर्नली, यहां पर अगर देखें तो जैसे एक्सटर्नल फॉर्म में है, जैसे ये मान लेते हैं ये ईस्ट है, एक बहुत सिंपल से ये यहां पर है, ये ईस्ट है। इस ईस्ट में क्या होगा, एक एक्सटर्नल यहां पर बड का फॉर्मेशन होगा, एक्सटर्नल बड का फॉर्मेशन होगा, और वो आपको समझना अभी समझ में आ जाएगा, ये चीज ये यहां पर बन करके आए, ये है बड, ये बड बन गया, और ये अनफेवरेबल कंडीशन में, अनफेवरेबल कंडीशन में ये जो बड है, ये बड लगातार बनता जाएगा, अनफेवरेबल कंडीशन में ये बड लगातार बनता जाएगा, और जैसे फेवरेबल कंडीशन आता है, ये सारे बड यहां से टूट करके अलग होकर के एक नए ईस्ट का फॉर्मेशन कर देता है। यहां पर भी आप देख रहे हैं कोई भी फ्यूजन की प्रोसेस नहीं हो रही है, कोई गैमिट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, किसी प्रकार के मियोसिस नहीं हो रहा है। तो सिंपल सी बात है, यहां पर कैसा रिप्रोडक्शन हो रहा है, असेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन यहां पर हो रहा है। तो ऐसा किसमें होता है, ईस्ट सेल में होता है। ईस्ट क्या है, एक यूनिसेलुलर फंजाई होता है, तो बडिंग के थ्रू भी कर सकते हैं, या बाय जेमा, जेमा के थ्रू भी यहां पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब जेमा क्या होता है, जेमा एक्चुअल में ये जो जेमा कब बनता है, जेमा कब का जो फॉर्मेशन होता है, ये एक ब्रायोफाइट है जिसका नाम है फ्यूनेरिया, मॉस प्लांट के नाम से जानते हैं, मॉस का प्लांट्स। तो जो मॉस प्लांट्स होता है, एग्जांपल से फ्यूनेरिया ले लेते हैं, इस फ्यूनेरिया में होता है क्या, बहुत छोटा सा प्लांट्स होता है आपको याद रखना है, और ब्रायोफाइटिक जो प्लांट्स होते हैं गैमेटोफाइट होते हैं, ब्रायोफाइटिक प्लांट्स गैमेटोफाइट होते हैं। इसमें एक्चुअल में रूट स्टेम लिफ्ट प्रेजेंट नहीं होता, बट यहां पर रूट लाइक स्ट्रक्चर मीन्स राइजोम यहां पर प्रेजेंट होता है, या स्ट्रक्चर मान लेते हैं, और फिर कुछ ऊंचाई पर जाकर के यहीं पर एक जैसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर बनता है, एक बंच लाइक रहता है यहां पर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो बंच फॉर्म यहां पर प्रेजेंट होता है यहां पर इस तरह से, और फिर ये आगे क्यों चलता है, और ये क्या आगे चल करके डेवलप करके ये यहां से एक स्पोरोफाइट का यहां पर फॉर्मेशन कर देता है, यहां पर हो गया स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन। हालांकि आपको मतलब इससे नहीं है, स्पोरोफाइट से मतलब है यहां पर हमें जेमा से। ये जो आप देख रहे हैं ग्रीन लाइक जो यहां पर लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, ये ग्रीन कलर का होता है, इसी के अंदर जब इसको सेक्शन काटा जाएगा तो आपको एक उल्टे कप लाइक स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेगा, इट इज नोन एज जेमा, यही है जेमा। तो इस जेमा में क्या होता है, ये जेमा 10 से 12 कोशिकाएं इसमें होती है, ये जेमा इस प्लांट से अगर अलग हो जाता है तो अलग होकर के एक नए सेल का फॉर्मेशन यहां पर कर देते हैं, एक नए प्लांट यानी फ्यूनेरिया का फॉर्मेशन यहां पर कर देगा। इस तरह से यहां पर भी जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा एक नए प्लांट्स का प्रोडक्शन हो जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक होता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थ्रू, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन,
वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थ्रू। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में होता क्या है कि इसमें जो प्लांट्स है, यही है प्लांट्स में मोस्टली जो जिसमें फ्लावरिंग प्लांट्स है उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में होता क्या है कि उसमें जो है जो प्लांट्स के चाहे रूट हो गए, स्टेम हो गया या लीव्स हो गया, इसके द्वारा यहां पर जो है एक नए प्लांट्स का फॉर्मेशन होगा। तो आइए समझते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को और बेहतर तरीके से, जानते हैं इसको, रफ करते हैं फिर स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक इसमें, यही वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। समझते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे मेन टॉपिक वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, क्योंकि मैक्सिमम जो प्लांट्स होते हैं वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थ्रू ही अपने एक नए ऑर्गेनिज्म या एक नए प्लांट्स का फॉर्मेशन यहां पर करते हैं। वेजिटेटिव होता क्या है, मींस व्हाट इज वेजिटेटिव? प्लांट्स का जो जो भी पार्ट्स आप देख रहे हैं, जो इसकी बॉडी स्ट्रक्चर पार्ट देख रहे, चाहे वो रूट हो, स्टेम हो, लिप्स हो, वो सभी उसका वेजिटेटिव पार्ट होता है। तो अगर उस वेजिटेटिव पार्ट से एक नया प्लांट्स बन जा रहा है, इसका मतलब वहां पर रिप्रोडक्शन किससे हो रहा है? आप सीधे कह सकते हैं वहां पर रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव से ही हो रहा है, यानी वेजिटेटिव पार्ट से वहां पर रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो दैट इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अभी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की जो प्रोसेस होती है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, इसमें मैंने कहा कि किससे होती है, रूट से हो सकता है, रूट से थ्रू, रूट के थ्रू, जैसे कि मान ले तो रूट का कोई पार्ट आप कोई प्लांट से लेकर के आया, उसका रूट लेकर के आया, प्लांट का रूट ला करके उसको सॉइल में लगा दिया और उससे एक नया प्लांट तैयार हो गया। इसका मतलब वहां पर एक नए प्लांट का डेवलपमेंट किससे हो रहा है, एक नए प्लांट का डेवलपमेंट हो रहा है उसमें जो उपस्थित रूट है, वो रूट से एक नए प्लांट का डेवलपमेंट हो रहा है, मींस वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के रूप में काम कर रहा है। तो ये यहां पर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में आ जाता है। तो रूट में किसमें होते हैं, आइपोमिया बटाटा हो गया, आइपोमिया बटाटा, आइपोमिया बटाटा में यहां पर जो है जिसको हम लोग शकरकंद के नाम से जानते हैं, तो आइपोमिया बटाटा में रूट के थ्रू यहां पर रिप्रोडक्शन होता है, यानी एक नया प्लांट्स बनता है। ये एस्पैरेगस हो गया, एस्पैरेगस हो गया, तो एस्पैरेगस में भी इसी रूट के थ्रू ही जो है एक नए प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है, तो रूट के थ्रू। या मान लेते हैं बाय स्टेम, ये बाय रूट हो गया, सेकेंड बाय स्टेम। स्टेम की अगर बात किया जाए तो इसमें जैसे बहुत सारे से पार्ट्स बनते हैं बाय स्टेम में, जैसे स्टेम में यहां पर राइजोम बनता है, राइजोम के द्वारा एक नए प्लांट्स की प्रोडक्शन हो जाता है। जैसे एग्जांपल में आ जाता है हल्दी, जिसको कहते हैं कुरकुमा डोमेस्टिका, तो कुरकुमा में जो होता है यहाँ पर हल्दी में, इसमें राइजोम बनता है जो रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है, बट वो रूट नहीं होता है, उस राइजोम के द्वारा एक नए प्लांट्स का यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाता है। तो उसमें हल्दी हो गया, यानी कुरकुमा डोमेस्टिका, यहाँ पर आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ में जो है कॉर्म बनता है, घनकंद, कॉर्म के थ्रू जो है, जो कॉर्म होता है उस कॉर्म से जो है एक नए प्लांट का फॉर्मेशन होता है, जिसको कान के नाम से आते से कहते हैं ना, एक कान जो एक प्लांट्स होता है, तो उसपे यानी उसको नाम यहाँ पर है जो उसके थ्रू, यानी कोलोकेसिया, अरबी में भी इस तरह से होता है, कोलोकेसिया स्प्लेंटा, पूरा नाम है अरबी का कोलोकेसिया स्प्लेंटा, में इस प्रकार के फॉर्मेशन होता है कॉर्म के थ्रू यहाँ पर बनता है। किसी किसी में बल्ब के द्वारा, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर बनता है, उस बल्ब से एक नए प्लांट्स का फॉर्मेशन होता है, जैसे कि आप प्याज और लहसुन के लिए लेते हैं, तो यानी एलियम सिपा या एलियम सटाइबम, एलियम सिपा जो होता है वो प्याज का है और एलियम सटाइबम लहसुन का बोटेनिकल नेम है। तो एलियम में यहाँ पर जो है इस प्रकार से बल्ब के फॉर्म, बल्ब से जो है एक नए प्लांट्स का प्रोडक्शन होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर बनता है, ट्यूबर क्या होता है, ट्यूबर भी एक स्टेम का पार्ट होता है, एक मॉडिफाइड स्टेम होता है ट्यूबर, और ट्यूबर से जैसे कि पोटैटो, आलू, आलू क्या है जो खाते हैं, जो इसका कंद है, जो ट्यूबर है वो एक्चुअल में एक मॉडिफाइड शूट होता है, मींस स्टेम होता है, तो ट्यूबर के थ्रू भी यहाँ पर जो है रिप्रोडक्शन हो सकता है। या शक्कर हो गया, शक्कर हो गए, शक्कर भी जो है ये एक मॉडिफाइड शूट होता है, तो पोटैटो का सोलेनम होता है, आपको याद रखें सोलेनम, वो क्या नाम है, पोटैटो का सोलेनम ट्यूबेरोसम होता है, सोलेनम ट्यूबेरोसम, सबके बोटानिकल नाम लिखा जाए ट्यूबेरोसम, तो ये यहां पर जो है जो शकर होता है इसमें मेंथा यानी पुदीना, तो मेंथा पुदीना में जो है शकर के थ्रू जो है उसमें जो मॉडिफाइड शूट होता है उसको शकर के नाम से जानते, इस तरह से यहां से भी रिप्रोडक्शन हो सकता है। इसके अलावा रनर हो गया, कुछ मॉडिफाइड शूट रनर होते हैं, यानी कि चलते रहते हैं लगातार, और उससे नए क्या नाम है जो प्लांट्स, उस प्लांट्स के वो क्या नाम है सॉइल है, सॉइल के अंदर जाकर के धसते धस धस करके एक नया प्लांट्स और ग्रोथ करते रहते हैं। आप कभी भी साइनाडॉन को उठा के देखिएगा, जो दूब घास होती है तो काफी लंबा वो रहता है, तो इसमें एग्जाम्पल आपका साइनाडॉन आ जाएगा, साइनाडॉन यहाँ पर एग्जाम्पल आ जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें इसमें कुछ और होते से क्या नाम है स्टोलन हो गया, स्टोलन हो गया, तो स्टोलन में भी जैसे कि एग्जाम्पल में आइकॉर्निया आ जाता है, आइकॉर्निया आ जाता है,
इस तरह से यहां पर जो रहता है या ऑफसेट हो गया, ऑफसेट हो गया, ऑफसेट में पैसिव फ्लोरा एग्जांपल आ गया, पैसिव फ्लोरा में ऑफसेट के थ्रू जो है रहता है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो जो शूट स्टेम है, स्टेम के कई मॉडिफाइड पार्ट्स होते हैं, जैसे राइजोम हो गया, कॉर्म हो गया, बल्ब हो गया, ट्यूबर हो गया, सकर हो गया, रनर हो गया, स्टोलन हो गया, ऑफसेट हो गया। इस तरह से यहां पर भी जो है जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस यहां पर होती है। इसके अलावा भी कुछ में जैसे कि बाई बल्बिल्स हो गए, बाई बल्बिल्स होता है, बल्बिल्स के थ्रू यहां पर अगर हम बात करें तो बल्बिल्स के द्वारा भी यहां पर जो है रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है। जैसे कि एग्जाम्पल में ऑक्सेलिस आ जाता है, एग्जाम्पल में ऑक्सेलिस खट्टी बूटी, इसको खट्टी बूटी के नाम से जानते हैं। तो ऑक्सेलिस में बल्बिल्स के द्वारा जो है रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है। किसी किसी में पत्तियां जो होती हैं वो पत्तियां ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का काम करती है, जैसे अजूबा यानी ब्रायोफिल्लम। अजूबा क्या है? ब्रायोफिल्लम। इस ब्रायोफिल्लम में भी जो है अगर देखा जाए तो ब्रायोफिल्लम में पत्तियां जो होती हैं वो पत्तियां यहां पर जो है जो क्या नाम है पत्तियां हैं ये पत्तियां फिल्म है, पत्तियां जो है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के रूप में काम करती है। तो इस तरह से इसके वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में आपने देखा कि रूट के द्वारा भी एक नए प्लांट्स का प्रोडक्शन हो सकता है, स्टेम के द्वारा, स्टेम में बहुत सारे मॉडिफाइड शूट है, इसके द्वारा एक नए प्लांट्स का फॉर्मेशन हो सकता है, बल्बिल्स के थ्रू जो है एक नए प्लांट्स का फॉर्मेशन हो सकता है, या लीव्स के द्वारा एक नए प्लांट्स का प्रोडक्शन हो सकता है। तो ये पूरा जो आज हम लोग का जो टॉपिक था ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर आज बेस्ड था, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर आप देखें तो डिफरेंट टाइप के जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है वो सारे रिप्रोडक्शन की प्रोसेस आपको डिटेल में यहाँ पर मिल गया। तो ये पूरा जो टॉपिक था वो एसेक्सुअल था। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो जो प्लांट्स है किस प्रकार से उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा होता है, किस प्रकार से प्लांट्स में रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है और उससे एक नया प्लांट्स बनता है। वहां पर हम लोग फ्यूजन के बारे में पढ़ेंगे, फर्टिलाइजेशन भी पढ़ेंगे, मियोसिस से लिविंग पढ़ेंगे, एंड गैमेटोजेनेसिस का भी वहां पर फॉर्मेशन पढ़ेंगे। तो इस तरह से मिलते हैं अगले वीडियो में, देखेंगे वहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। आज का जो वीडियो था ये पूरी तरह से बेस्ड था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। आई होप आप लोग को समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक